एग्जिट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, 423 सीटों में से बीजेपी को 223 में से 248 सीटें मिलने का अनुमान। सीयूपीयू के एक महा एग्जिट पोल में देवभूमि में सरकार बनाते दिख रहे कांग्रेस, बीजेपी को 26 से 30 सीटें तो कांग्रेस को 35 से 40 सीट। उत्तर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया, कहा सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। मतगणना से पहले हरीश रावत का बड़ा बयान, पुराना शातिर खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच चुका है, खरीद फरोख में माहिर है। उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक आज, विधानसभा चुनाव में जीत के मद्देनजर मंथन, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में आज कांग्रेस का लड़कियों लड़ सकती हूँ मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निकलेगा मार्च। यूपी के एग्जिट पोल में बीजेपी की बनती सरकार पर विपक्षी दलों को नहीं विश्वास, प्रियंका का बयान, करेंगे नतीजों का इंतजार। एग्जिट पोल पर बोली आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, ये एक राय है, मैं इससे सहमत नहीं, परिवर्तन लाने के लिए लोगों में उत्साह हमने देखा। एग्जिट पोल पर सपा प्रमुख शिवपाल यादव का ट्वीट, लिखा एग्जिट पोल की तस्वीर आभासी और भ्रामक। यूपी के एग्जिट पोल पर ओपी राजभर का बयान, यूपी में बन रही एसपी की सरकार, बंगाल में भी ऐसा ही एग्जिट पोल दिखाया गया था। यूपी के एग्जिट पोल पर बोले सिद्धार्थनाथ, जनता के साथ केमिस्ट्री बनाकर काम किया, काम के बदौलत जीत दर्ज करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर बोले यूपी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक, विपक्ष गलत पैटर्न पर चुनाव लड़ा, जनता को प्रधानमंत्री पर भरोसा है।